हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सैम न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट 2 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अल्फा डिसइंटीग्रेशन एंड इट्स थ्योरी, और इसको दूसरे नाम से कैसे जानते हैं इस टॉपिक को, गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा डीके एक स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है, जिसमें एक लार्ज साइज का न्यूक्लियस जिसका मास नंबर ज्यादातर 200 से ज्यादा होता है, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो लार्ज साइज के न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल बेसिकली एक हीलियम न्यूक्लियस है, जिसके अंदर हमारे पास होते हैं 2 प्रोटॉन्स और होते हैं 2 न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम न्यूक्लियस का मास नंबर जो होता है वो होता है 4, और एक इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। मींस जो भी हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 200 से ज्यादा होगा, जब भी वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो आपको प्रोडक्ट साइड में एक न्यू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जिसका मास नंबर 4 यूनिट्स कम हो चुका होगा और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट्स कम हो चुका होगा, और साथ में निकलेगा अल्फा पार्टिकल और साथ में निकलेगी एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। तो यहाँ पर प्लस क्यू भी लिखना पड़ेगा ताकि आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए स्टूडेंट, गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके और अल्फा डीके की थ्योरी को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्फा डीके होता क्यों है, क्यों लार्ज साइज न्यूक्लियस ही अल्फा डीके करते हैं, स्मॉल साइज और मीडियम साइज के न्यूक्लियाई जो है वो अल्फा डीके क्यों नहीं करते। इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो इस बात में लाई करता है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं उनके नेचर पर इसका आंसर डिपेंड करता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं 2 प्रकार के न्यूक्लियॉन्स, जिनको हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जानते हैं। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स पे होता है कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखता है न्यूक्लियस के अंदर, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये न्यूक्लियस को बांधने का काम करती है, और एक प्रकार की एक और फोर्स लग रही होती है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, वो होती है रिपल्सिव, कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स, जो कि प्रोटॉन्स के बीच में लगती है। न्यूट्रॉन्स के बीच में कोई कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स नहीं होती, वो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स के बीच में लगती है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 2 प्रोटॉन्स या फिर 2 न्यूट्रॉन्स या फिर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन्स के बीच में लग सकती है, और न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियॉन्स को बांधने का काम करती हैं, जबकि कोलंबियन रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो न्यूक्लियस को तोड़ने का काम करती हैं, उसको अनस्टेबल बनाती हैं। देखिए स्टूडेंट, जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, वो स्मॉल डिस्टेंसेस पर एक्ट करती हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस यूजुअली 1-3 फेमटोमीटर के बीच में अफेक्टिव रहती है। जब न्यूक्लियॉन्स का डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस 1-3 फेमटोमीटर होता है तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो अफेक्टिव रहती हैं। इतने डिस्टेंस पर न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाली कोलंबियन फोर्सेस को, कोलंबियन रिपल्सिव फोर्सेस को इजिली डोमिनेट कर जाती हैं। इसलिए हमारे पास जो स्मॉल साइज न्यूक्लियस होते हैं और मीडियम साइज न्यूक्लियस जो होते हैं हमारे पास, उनके न्यूक्लियस का साइज जो है वो छोटा रहता है, उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो है वो कम रहते हैं, इसलिए न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू कोलंबियन रिपल्सिव फोर्सेस। इसलिए जो स्मॉल साइज न्यूक्लियस होते हैं और जो मिड साइज न्यूक्लियस होते हैं वो ज्यादातर स्टेबल रहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, और वैसे वैसे ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर वो बढ़ते चले जाते हैं। जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस इस रेंज से ज्यादा हो जाता है तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो कोलंबियन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम नहीं कर पाती, उनको डोमिनेट नहीं कर पाती, वहां पर कोलंबियन रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्सेस। तो होता क्या है, जो हमारे लार्ज साइज न्यूक्लियस हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मास नंबर बढ़ेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो इनसाइड द
न्यूक्लियस है वो बढ़ेंगे और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर देंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर। इसलिए जो हमारे पास जो लार्ज साइज न्यूक्लियस होते हैं वो ज्यादातर अनस्टेबल होते हैं। तो वो स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं? वो स्टेबिलिटी एक ही तरीके से गेन कर सकते हैं, अगर वो अपने अंदर से प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को एमिट करना शुरू करें। तो जो हीलियम न्यूक्लियस होता है वो एक बंडल होता है प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स का। तो एक तरह से अल्फा पार्टिकल एमिट करके एक अनस्टेबल न्यूक्लाई अपने अंदर से चार न्यूक्लियोन्स जो है वो बाहर निकालता है, जिसमें दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ताकि उसका साइज जो है वो कम हो सके और वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो स्टूडेंट, जब अल्फा डिके प्रोसेस को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया, डिफरेंट काइंड ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई लिए गए और उसमें से एमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी को मेजर किया गया, तो वो एनर्जी की जो रेंज निकल के आई हमारे पास, वो रेंज निकल के आई 4 से लेकर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की। मींस मिनिमम एनर्जी का जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा था किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से, वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। और जो मैक्सिमम एनर्जी जिस मैक्सिमम एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा था किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से, वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी। और सभी अल्फा पार्टिकल जो कि किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से एमिट होते हैं, उनकी जो एनर्जी की रेंज होती है वो 4 से लेकर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाई गई। अब स्टूडेंट्स, इतनी एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल्स का जो एमिशन है उसके साथ एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड थी, उसके साथ कुछ दुविधा थी। उस दुविधा, उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा किसी भी न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। स्टूडेंट्स, जब हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है जब हम प्लॉट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जब आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी डिस्टेंस, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। y एक्सिस पे लिया है हमने पोटेंशियल एनर्जी V और x एक्सिस में हमने लिया है डिस्टेंस R। तो कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट करने को देखने को मिलता है हमें, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस फॉर अ न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्री एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ 4 न्यूक्लियॉन्स, जिसके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। मान लीजिए ये एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर जब तक वो रहेगा तो उसको एक पोटेंशियल बैरियर को सफर करना पड़ेगा। इस पोटेंशियल बैरियर को पार करना पड़ेगा तभी वो न्यूक्लियस में से बाहर आ पाएगा। अब ये पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज करके। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। पोटेंशियल किसका लेंगे आप और चार्ज कौन सा लेंगे आप, आइए देखते हैं। पोटेंशियल हम लेंगे इस डॉटर न्यूक्लियस का, जब एक न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट कर देता है तो वो एक नए न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो कि है डॉटर न्यूक्लियस, जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, और इसके अंदर है जेड माइनस 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंगल चार्ज के लिए वो होता है के क्यू बाय आर। पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर होता है फॉर्मूला। अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर के जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट है, अगर हम फॉर्मूला लगाएं के चार्ज क्यू, क्यू कितना होगा इस न्यूक्लियस का, इस वाई न्यूक्लियस का, जेड माइनस 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसके अंदर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जेड माइनस 2 है, और हर एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो ई होता है। तो जितना चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर होगा वही इस न्यूक्लियस का क्यू होगा, वही इस न्यूक्लियस का चार्ज होगा। तो चार्ज की जगह, क्यू की जगह हम लिखेंगे चार्ज ऑफ जेड माइनस 2 प्रोटॉन्स। जेड माइनस 2 प्रोटॉन्स हैं और हर एक प्रोटॉन्स के पास चार्ज होता है ई, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी वाई न्यूक्लियस के लिए जेड माइनस 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई आर इंटू चार्ज। चार्ज कौन सा लेंगे, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल के पास होते हैं 2 प्रोटॉन्स, तो इसके न्यूक्लियस के ऊपर प्लस 2e चार्ज होगा, तो हम 2e लिख देते हैं यहाँ पर। तो सॉल्व करके आपके पास आएगा, के की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4πε0 इंटू जेड माइनस 2 इंटू 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये निकल आई पोटेंशियल एनर्जी किसकी, उस अल्फा पार्टिकल की जो इस पोटेंशियल वेल के अंदर स्टक होके रह गया है बिफोर एमिशन। तो स्टूडेंट्स, हम जो जेड है यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, और 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 9 × 10⁻¹।
अगर हम जेड ले लेते हैं, हम मान लीजिए हम किसी अनस्टेबल न्यूक्लियर का एग्जांपल लेते हैं, सबसे ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियर जो होता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम होती है वो होता है यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92। तो हम यूरेनियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल के देखते हैं। फॉर यूरेनियम 235 92 देखते क्या निकल के आती है पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 की वैल्यू हम लिख देते हैं 9×10⁻⁹। जेड हमारा 92 है, 92 माइनस 2 2 × 1.6×10⁻¹⁹ आई होप आपको नजर आ रहा होगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर हमारा है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जिसका ऑर्डर जो होता है वो 10⁻¹⁴ मीटर के लगभग रहता है। तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तो आपकी जो वैल्यू निकल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की वो निकल जाएगी अराउंड 26 MeV के बराबर निकल जाएगी, लगभग अप्रोक्स निकल जाएगी। तो ये जो हाइट होगी पोटेंशियल बैरियर की ये लगभग होगी हमारे पास 26 MeV के बराबर। कहने का मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल को इस न्यूक्लियर रीजन में से, इस पोटेंशियल वेल में से बाहर आने के लिए 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर जो है उसको पार करना पड़ेगा। तो ज्यादातर न्यूक्लियस जो होते हैं उनके लिए जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट रहती है, यूरेनियम केस पर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला, जो बाकी सारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं जब उनके लिए पोटेंशियल बैरियर की हाइट निकालेगी तो वो लगभग 25 से लेकर 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में निकल आई। तो मतलब जो अल्फा पार्टिकल अगर इस न्यूक्लियस में बाहर आना चाहता है तो उसको इतना पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा पजलिंग भी हो रहा है क्योंकि जब हमने अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस में से बाहर निकलते हैं उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल के आई वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आई, जबकि जो पोटेंशियल बैरियर है जिसके अंदर वो फंसा हुआ है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ रही है, 25 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक अल्फा पार्टिकल जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है वो इतनी हाइट का 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइट का पोटेंशियल बैरियर जो है वो ओवरकम करके बाहर निकल पा रहा है? ये काफी ज्यादा पजलिंग हो रहा है सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक पेन होल्डर चॉक होल्डर है, इसको अगर मैं ऊपर फेंकता हूं तो ये नीचे ही आएगा क्योंकि इस पे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं कितनी वेलोसिटी से, ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से ज्यादा वेलोसिटी से अगर हम उसको फेंकते हैं तो वो स्पेस में चला जाता है, फिर वापस नीचे नहीं आता। जितने भी केसेस होंगे जब इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से कम होगी ये हमेशा ही नीचे आएगा। मान लीजिए एक केस अज्यूम कीजिए इस चॉक होल्डर के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड से कम है इसकी वेलोसिटी, तो ये फिर भी स्पेस को पार कर जाता है, नीचे नहीं आता, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम कर जाता है। तो ये काफी ज्यादा पजलिंग है स्टूडेंट। सेम केस जो है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के साथ हो रहा है। अल्फा पार्टिकल जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 25 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल बैरियर को कैसे ओवरकम करके बाहर निकल आ सकता है? जब वो बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर कोलंबियन रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके ऊपर +2e चार्ज होता है और जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेंगी। जैसे ही अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा उस पर रिपल्सिव फोर्स निकलेंगी, रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी और जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो 1/r के अकॉर्डिंग जो है वो कम होती चली जाती है। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके जो हम नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब तक एक पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी ना हो कि वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सके तो वो पोटेंशियल बैरियर में से बाहर नहीं आ सकता। जैसे इस केस में हो रहा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो थी अल्फा पार्टिकल की वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, जबकि पोटेंशियल बैरियर की हाइट जो थी जो ये फेस कर रहा था न्यूक्लियस के अंदर वो थी 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूरेनियम के केस में, तो ये अल्फा पार्टिकल क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस में से बाहर आ नहीं सकता। तो हम अल्फा पार्टिकल के एमिशन को कैसे एक्सप्लेन करें? अल्फा पार्टिकल को के एमिशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके। क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रिंसिपल यूज होता है क्वांटम टनलिंग का। क्वांटम टनलिंग
क्या कहती है, मान लीजिए आपके पास एक पोटेंशियल बैरियर है जिसकी हाइट है v, ये है पोटेंशियल बैरियर और ये है उसकी लेंथ l। तो मान लीजिए एक पार्टिकल है यहाँ पर, तो क्वांटम टनलिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस पार्टिकल की अगर कनेटिक एनर्जी इस v से कम है, अगर जो हमारे पास इस पार्टिकल की कनेटिक एनर्जी e अगर v से कम है, तो भी ये पार्टिकल जो है क्वांटम टनलिंग अकॉर्डिंग इस पोटेंशियल बैरियर को पार करके इधर आ सकता है, इसको पेनिट्रेट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए स्टूडेंट, क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक जिसके ऊपर बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स, वो है वेव मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है क्वांटम मैकेनिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो कि हमें ये कहता है कि हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक वेव फंक्शन की। तो अगर हम मान के चलें कि इस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो अगर हम इस पार्टिकल को एक वेव की तरह रिप्रेजेंट करें, तो ये पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर जाए। हालांकि जब ये बाहर निकलेगा इस पोटेंशियल बैरियर में से, तो उसकी एनर्जी जो है पार्टिकल की काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी होगी, वेव फंक्शन जो होगा उसका एम्पलीट्यूड जो है वो काफी कम हो चुका होगा, बट हमारे पास नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी रहती है पार्टिकल के पेनिट्रेशन की, कि पार्टिकल की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो उसको पेनिट्रेट कर पाएगा। तो हम अल्फा डीके के एमिशन को भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वांटम टनलिंग फिनोमेना को यूज करके। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम पोटेंशियल बैरियर जब प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, तो हम मान लीजिए हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल है जिसकी एनर्जी ई है, तो हम वहाँ पे काफी सारे केसेस लेके चलते हैं कि जब ई वी से कम होगा, या फिर ई ग्रेटर देन वी होगा, या फिर ई इक्वल टू वी होगा। तो हम अलग अलग केस में ट्रांसमिशन प्रॉबिलिटी निकाल के देखते हैं पार्टिकल की। तो उस केस में जब इस पार्टिकल की, इंसिडेंट पार्टिकल की कनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम होती है, तो उस केस में जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकल के आती है पार्टिकल के लिए, तो वहां पर जो सोल्यूशन निकल के आता है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का, वो ये निकल के आता है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस टू के टू एल। यहाँ पर एल जो है वो है लेंथ या विड्थ कह सकते हैं पोटेंशियल बैरियर की, और के टू की जो वैल्यू है वो ये होती है टू एम वी माइनस ई डिवाइडेड बाय एच कट। तो स्टूडेंट्स, ये गैमो नाम के फिजिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम टनलिंग का कंसेप्ट यूज करके अल्फा डिके एमिशन को स्टडी किया, और अल्फा डिके प्रोसेस जिसमें ये पजलिंग प्रॉब्लम आ रही थी कि अल्फा पार्टिकल जिसकी कनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो कैसे एक पोटेंशियल बैरियर जिसकी हाइट 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको ओवरकम करके बाहर निकल आ सकता है। तो गैमो ने इस क्वांटम टनलिंग कंसेप्ट को उठाया क्वांटम मैकेनिक्स से और अल्फा एमिशन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, तो उसी तरह से यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल है, उसको हम वेव की फॉर्म में, अल्फा पार्टिकल के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होगी, जैसे ही वो पोटेंशियल बैरियर पर पहुंचेगा, इतनी विड्थ का हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है एल, तो वो थोड़ा अटेन्यूएट होगा, और जब वो बाहर निकलेगा उसकी बाहर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो नॉन जीरो होगी, मींस वो पेनिट्रेट कर सकता है इवन दो उसकी कनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर की मैक्सिमम हाइट से कम है, फिर भी वो पेनिट्रेट कर सकता है। और इस तरह गैमो ने क्वांटम टनलिंग का कंसेप्ट उठा के अल्फा डिके को एक्सप्लेन किया है, यही खूबसूरती है गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डिके की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में आता है कि डिस्कस अल्फा डिसइंटीग्रेशन एंड इट्स थ्योरी, या फिर आपको ऐसे भी आ सकता है डिस्कस गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डिके, तो आप एग्जाम में वर्ड्स में इस पूरे थ्योरी को कैसे लिखेंगे सिस्टमैटिक वे में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अल्फा डिसइंटीग्रेशन और इट्स थ्योरी जो है, गैमो थ्योरी ऑफ अल्फा डिके भी जिसको बोलते हैं, वो 5-4, 5-6 मार्क्स की मैक्सिमम आ सकती है। तो आपको कितना लिख के आना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके, आइए वो देख लेते हैं। अब अल्फा डिके इज अ स्पॉन्टेनियस रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस इन विच अ लार्ज साइज न्यूक्लियस मास नंबर ग्रेटर देन 200 स्पॉन्टेनियसली अंडरगो डिके प्रोसेस लीड्स टू एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा डिके एक अपने आप होने वाली रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस है, जिसमें एक बड़े साइज का न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 200 होता है, वो अपने आप डिके प्रोसेस करता है और अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, एमिट करता है।
तो मान लीजिए एक न्यूक्लियस है एक्स जिसका मास नंबर 200 या 200 से ज्यादा है और उसका एटॉमिक नंबर है जेड, और वो जब अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो उसका मास नंबर जो है वो 4 यूनिट्स कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 यूनिट्स कम हो जाता है। तो प्रोडक्ट साइड में आपको एक डिफरेंट न्यूक्लियस वाई देखने को मिलता है, साथ में निकलता है अल्फा पार्टिकल जो कि कुछ नहीं है, एक हीलियम न्यूक्लियस है जिसपे +2e चार्ज होता है, और साथ में क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। हीलियम न्यूक्लियस में होते हैं 4 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, कुल मिला के 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं हीलियम न्यूक्लियस के अंदर, और इस पर चार्ज होता है +2e। तो अल्फा पार्टिकल एमिट करके क्या किया, बेसिकली एक्स ने अपने अंदर से न्यूक्लियॉन्स कम कर दिए ताकि वो स्टेबल हो सके। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ हीलियम न्यूक्लियस हैविंग चार्ज +2e वेयर e इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उस पर चार्ज होता है +2e क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और हर एक प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। बिफोर एमिशन एन अल्फा पार्टिकल कैन बी अज्यूम टू एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। हम मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो कि बेसिकली एक बंडल है 4 न्यूक्लियॉन्स का जिसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा आगे, व्हेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्फा डिके प्रोसेसेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई वर स्टडीड देन इट इज फाउंड दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्फा डिके प्रोसेसेस को स्टडी किया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई के लिए, उन न्यूक्लियाई के लिए जिनके मास नंबर 200 से ज्यादा थे, तो ये पाया गया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है एमिटेड अल्फा पार्टिकल की वो इस रेंज में लाई करती है 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में। बट इतनी एनर्जी का अल्फा पार्टिकल क्या न्यूक्लियस में से बाहर निकल पाना उसके लिए आसान रहेगा, इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर, इन्हीं क्वेश्चनों के जवाब आज हम ढूंढेंगे गामा स्टूडियो ऑफ अल्फा डीके में, और उसको ढूंढने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले न्यूक्लियर पोटेंशियल डायग्राम विद डिस्टेंस आर। लेट अस ड्रॉ न्यूक्लियर पोटेंशियल डायग्राम विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। हमें न्यूक्लियर पोटेंशियल डायग्राम ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस आर के साथ जो कि सेंटर से शुरू होगा, वो अब ड्रॉ करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट अगर हम पोटेंशियल न्यूक्लियर पोटेंशियल डायग्राम ड्रॉ करें विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तो वो कुछ इस शेप का निकल के आता है। ये है हमारा पोटेंशियल वेल जिसके अंदर न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिफोर एमिशन, और ये है हमारा कूलम पोटेंशियल जो कि 1/r के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करता है। तो स्टूडेंट्स पहले हम निकाल के देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसी भी अल्फा पार्टिकल की जो कि निकल के आएगी पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। देखिए स्टूडेंट जब एक्स न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल एमिट किया था वाई न्यूक्लियस बना था जो कि एक नया न्यूक्लियस था, एक्स से बिल्कुल डिफरेंट था क्योंकि उसका जो मास नंबर था वो 4 यूनिट्स कम हो गया था और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 यूनिट्स कम हो गया था। तो स्टूडेंट पोटेंशियल किसका देखना है हमें, इस डॉटर न्यूक्लियस का पोटेंशियल देखना है क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल जो है एमिटेड अल्फा पार्टिकल इसी डॉटर न्यूक्लियस के पोटेंशियल को सफर करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ 12th क्लास में जो कि होता है KQ/RK। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, Q यहाँ पर चार्ज है किसका, डॉटर न्यूक्लियस Y का, और R जो है वो रेडियस है न्यूक्लियस की, और चार्ज किसके लेना है आपको अल्फा पार्टिकल का लेना है जो कि होता है +2e। तो स्टूडेंट्स Q हमने निकालना है डॉटर न्यूक्लियस का, और डॉटर न्यूक्लियस का चार्ज हम कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर जितने प्रोटॉन्स होंगे Z-2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है डॉटर न्यूक्लियस के पास, और हर एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, तो Y न्यूक्लियस पे चार्ज होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन दैट इज Z-2 × E। तो K की वैल्यू पुट कर देते हैं, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, और Q होगा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Y न्यूक्लियस के अंदर जो कि है Z-2 इंटू चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन जो कि है E इंटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e/r सॉल्व करके आ जाएगा। फिर दोबारा हमने K लिख दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, 1/4πε0 लिख देते हैं, कोई बात नहीं जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। और तो 1/4πε0 साथ में Z-2 × 2e²/4πε0r। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लेके चलते हैं यूरेनियम न्यूक्लियस का जो कि काफी अनस्टेबल होता है और यूजली जो है वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है स्टेबल होने के लिए। तो यूरेनियम जिसका मास नंबर 235 है, जेड यहाँ पर 92 है, मास नंबर का यहाँ पे कोई नजर नहीं है इस फॉर्मुले में क्योंकि ए नहीं आ रहा, यहाँ पर कैपिटल ए नहीं आ रहा, यहाँ पर जेड आ रहा है, तो जेड है 92 पुट कर देते हैं जेड की जगह, और 1/4πε0 मीन जो के की वैल्यू होती है वो पुट कर देते हैं 9 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इतना होता है 9 × 10⁻¹⁹ 92 - 2 × 2 × E कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि होता है 1.6 × 10⁻¹⁹
का स्क्वायर है, यहाँ पे तो स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कितने होते हैं, जनरली ऑर्डर जो रहता है रेडियस का न्यूक्लियस के लिए वो 10^-14 मीटर रहता है। तो हमने आपको पुट कर दी, जो एनर्जी निकल जाएगी वो जूल में निकल जाएगी। अगर आपने इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन 1.6 × 10^-19 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। अगर इसको आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 10^6 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आपको निकल के जो आएगा वो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगी। जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो एनर्जी जो है वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगी। मीन्स एक अल्फा पार्टिकल जो कि हम मान रहे हैं कि यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर प्री एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने यूरेनियम न्यूक्लियस का एग्जांपल लिया था, तो यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर प्री एग्जिस्ट करता है, तो उसको 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर जो है वो ओवरकम करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, ताकि वो यूरेनियम न्यूक्लियस में से बाहर निकल सके। तो क्लासिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है अगर वो पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम है, जैसे अल्फा पार्टिकल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का निकल रहा था वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का निकल रहा था, यहाँ पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट निकल जा रही है यूरेनियम न्यूक्लियस के लिए वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल जा रही है। तो क्लासिकली इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ओवरकम दिस बैरियर, बट इसको कैसे ओवरकम किया, गैमो ने क्या बताया, वो हम देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो लास्ट लाइन लिख देते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले, दस अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंस अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनसाइड अ यूरेनियम न्यूक्लियस बिफोर एमिशन। तो अल्फा पार्टिकल यूरेनियम न्यूक्लियस में एमिशन से पहले कितना पोटेंशियल बैरियर की हाइट उसको कितनी एक्सपीरियंस होगी, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सपीरियंस होगी यूरेनियम के लिए। और जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं जिनके मास नंबर 200 से ज्यादा होते हैं उनके लिए जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट रहती है वो 25 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। यूरेनियम के लिए जो निकल गई छोटे के लिए जो वैल्यू निकल गई वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल गई। तो 25 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का पोटेंशियल बैरियर अल्फा पार्टिकल को एक्सपीरियंस करना पड़ता है न्यूक्लियस के अंदर बिफोर एमिशन। तो 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल कैसे इतना ज्यादा पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करता है, ये कैसे एक्सप्लेन किया गैमो ने, ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर स्टक होके रह गया है उसको पोटेंशियल बैरियर 26 MeV का पोटेंशियल बैरियर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसके पास 26 MeV की एनर्जी होनी चाहिए उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए। बट हुआ क्या, बट यूरेनियम एमिट्स अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 4 MeV, बट जब हमने यूरेनियम से निकले हुए अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया तो वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आई। तो कैसे एक 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी कम एनर्जी का अल्फा पार्टिकल 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल बैरियर को कैसे ओवरकम कर सकता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में तो इसका कोई आंसर नहीं है, इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, जैसा कि गैमो ने किया था 1928 में। क्लासिकल मैकेनिक्स कांट एक्सप्लेन दैट हाउ अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी 4 MeV कैन कम आउट ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट 26 MeV। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल जिसकी एनर्जी 4 MeV हो वो इतनी ज्यादा पोटेंशियल बैरियर जिसकी इतनी ज्यादा हाइट है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको तो ओवरकम कर ही नहीं सकता। जैसे हमने टन होल्डर एग्जांपल लिया था, अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को पार कर ही नहीं सकता, स्पेस में जा ही नहीं सकता। उसी तरह से एक अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी पोटेंशियल बैरियर के हाइट से बहुत कम है, 5 गुना कम है, तो वो जा ही नहीं सकता पोटेंशियल बैरियर के बाहर। बट इन 1928 जॉर्ज गैमो सॉल्व दिस पजल बाय यूजिंग वेव मैकेनिकल कंसीडरेशंस। 1928 में जॉर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया अल्फा की, कैसे एक लो एनर्जी का अल्फा पार्टिकल अपने से ज्यादा पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, उसमें से एस्केप हो जाता है। उसने सहारा लिया वेव मैकेनिकल कंसीडरेशंस का जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर काउंट होती है। His theory is based on quantum mechanics found by combining de Broglie hypothesis and Schrodinger equation. Quantum mechanics का सहारा लिया, quantum mechanics जो है वो पूरी की पूरी इन दो hypothesis based है, de Broglie hypothesis and Schrodinger equation। ये आप दूसरी पेपर में पढ़ेंगे, quantum mechanics and laser वाले पेपर में आप पढ़ेंगे जो आपका सेकेंड पेपर है, उसमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमें क्या आता है कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए आपको चाहिए होता है वेव फंक्शन। तो उस वेव फंक्शन को यूज करके हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं।
यूजिंग श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, तो उनके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट ये हम मान के चलेंगे कि अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर है वो मेन मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। अल्फा पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, अ वेव फंक्शन साई कैन डिस्क्राइब द वेव मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ वेव। अल्फा पार्टिकल जो कि यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर है, जिसकी एनर्जी 4 MeV है, वो वेव नेचर शो करेगा, सो दैट वेव एसोसिएटेड होगी, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें वेव फंक्शन साई का सहारा लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गैमो, दिस वेव हैज सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेटिंग एस्केपिंग द बैरियर, इवन दो पोटेंशियल पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी लेस देन हाइट एच ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। तो गैमो का क्या कहना था कि जो वेव अल्फा पार्टिकल साथ एसोसिएटेड होगी यहाँ पर, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉबिलिटी रहेगी कि वो इस बैरियर को पार करके इधर आ जाए, न्यूक्लियस में से एस्केप हो जाए, न्यूक्लियस में से पेनिट्रेट हो जाए, इस पोटेंशियल बैरियर जिसकी हाइट 26 MeV है उसको पेनिट्रेट करके। आइए देखते हैं कैसे। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये है अल्फा पार्टिकल और जिसकी एनर्जी है हमारे पास 4 MeV का अल्फा पार्टिकल है जो यूरेनियम न्यूक्लियस एमिट करता है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। ये वेव की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो इस पोटेंशियल बैरियर जिसकी है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको क्रॉस कर दे और उसको बाहर आ जाए। इस वेव का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड जो है वो कम जरूर होगा, बट कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी जरूर रहेगी कि वो पोटेंशियल बैरियर जो है को पार कर जाए। अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी पोटेंशियल बैरियर के हाइट से बहुत कम है, फिर भी वो बैरियर को पेनिट्रेट कर जाए, इसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन, अकॉर्डिंग टू गैमो। और इसी प्रोसेस को जब एक पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बैरियर जिसकी हाइट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से कम है, ज़्यादा है, कहने का मतलब यह है कि अगर एक पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम है, बहुत कम है, फिर भी वो अगर पोटेंशियल बैरियर क्रॉस कर जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्वांटम टनलिंग। स्टूडेंट आगे देखते हैं, आगे क्या लिख के आएंगे आप। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने देखा कि अल्फा पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की हाइट से बहुत कम होती है, फिर भी वो पार कर जाता है गैमो के अकॉर्डिंग। उसने ये आइडिया जो है क्वांटम मैकेनिक्स से बोरो किया था, तो जिसको हम क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो कुछ बाकी की दो तीन लाइन्स रह गई हैं इस टॉपिक की, वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बाकी बची हुई लाइन्स इस टॉपिक की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी लेस देन द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज कॉल्ड टनलिंग। टनलिंग क्या होती है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग या टनल इफेक्ट भी बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, कि कैसे एक पार्टिकल, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो या कोई भी पार्टिकल हो जिसकी एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम होती है, कैसे वो पार कर जाता है उस पोटेंशियल बैरियर को, उसी प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं हम टनलिंग या फिर क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग या टनल इफेक्ट। और ये प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो नॉन जीरो वैल्यू होती है, और वो वैल्यू क्या होती है जिसको हम ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, e^-2k^2l। इस अल्फा पार्टिकल के पेनिट्रेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ट्रांसमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है, वो होगी e^-2k^2l। यहाँ पर l क्या है, यहाँ पर l है विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ये है हमारा l, और k2 क्या है, k2 है हमारा 2mv-a/h का, m है मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो इस तरह क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इस अल्फा पार्टिकल के एमिशन को, जिसकी एनर्जी जो है पोटेंशियल बैरियर के हाइट से बहुत कम होती है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल जो है बार बार इस बाउंड्री से टकराता है, इस वॉल से टकराता है, कब तक, जब उसके पास सफिशियंट कंडीशंस नहीं आ जाती कि वो इसको पेनिट्रेट कर जाए। और स्टूडेंट्स ये था आपका अल्फा डिसइंटीग्रेशन एंड इट्स थ्योरी, जिसको हम गैमो थ्योरी ऑफ अल्फा डीके भी बोलते हैं। आप यहाँ तक लिख के आएंगे एग्जाम में, ये डायग्राम ड्रॉ करके आएंगे, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी वाली, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।